नमस्कार, आज मैं आपको प्रमुख योग मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नास्ति मुद्रा सम सिद्धि क्षिति मंडले, अर्थात सिद्धि के लिए मुद्रा समान कोई क्रिया नहीं है। तो फिर अब हम शुरू करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा शुरू करने से पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइएगा। गहरी सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए। मन शांत होने के बाद अब हम शुरू करेंगे हमारी प्रमुख योग मुद्राएं। पहली मैं पृथ्वी मुद्रा की जानकारी दूंगी। सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के नुकीले भाग से स्पर्श करें और शेष तीन उंगलियां सीधी रखें। ऐसे योग मुद्रा को हम पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। यह योग मुद्रा शारीरिक दुर्बलता को दूर करेगी और साथ में ताजगी और स्फूर्ति के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। पृथ्वी मुद्रा से तेज भी बढ़ेगा। अब हम हमारी दूसरी योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसका नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में अनामिका उंगली को मोड़ेंगे और ऊपरी वाले भाग को अंगूठे से स्पर्श कराएंगे और शेष तीन उंगलियां सीधी रखने से बन जाएगी हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा प्रत्येक दिन 20 से 30 मिनट करने से अनावश्यक चर्बी और स्थूलता दूर कर सकते हो। इसके बाद मैं ज्ञान मुद्रा की जानकारी दूंगी। ज्ञान मुद्रा के लिए प्रथम उंगली को अंगूठे के नुकीले भाग पर स्पर्श कराएंगे और शेष तीन उंगलियां सीधी रखेंगे ताकि बन जाएगी आपकी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से अनिंद्रा और अतिनिंद्रा में फायदा होगा, साथ में क्रोधी स्वभाव आदि में यह मुद्रा लाभदायक सिद्ध होगी। अब हम वरुण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। वरुण मुद्रा में बड़ी उंगली को मोड़ेंगे और उसको अंगूठे के नुकीले भाग पर स्पर्श कराए और शेष तीन उंगलियां सीधी रखने से बन जाएगी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा से रक्त विकार दूर होगा और साथ में चर्म रोग एवं पांडु रोग भी दूर होगा। नृत्य कला में कहीं ना कहीं हमें योग मुद्रा का दर्शन हो ही जाता है बच्चों। अब हम प्राण मुद्रा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। प्राण मुद्रा में अनामिका और अंगूठे के ऊपरी भाग को परस्पर एक साथ स्पर्श कराएंगे। शेष जो दो उंगलियां बची है उनको हम सीधी रखेंगे ताकि बन जाएगी हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा है वो हमारी प्राण शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। प्राण मुद्रा से शरीर निरोगी रहेगा और साथ में आँख के रोगों को भी मिटाने में ये बहुत उपयोगी है। आँख हमें कुदरत की दी हुई गिफ्ट है बच्चों। उसको संभाल कर रखने से लंबे अरसे तक आप काफी पढ़ सकते हो और आँख में ये गोल्डन दुनिया है, हमारी रंग बिरंगी दुनिया है, उसको देखने के लिए आँख बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रतिदिन प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। इसके आगे वायु मुद्रा की जानकारी दूंगी। प्रथम उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर स्पर्श कराएं। शेष तीन उंगलियां सीधी रखेंगे। ऐसे बनती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा से हाथ पैर के जोड़ के दर्द को भी दूर होता है। वायु मुद्रा प्रतिदिन करने से लकवा, पक्षाघात, हिस्टेरिया जैसे रोग में लाभकारी साबित होता है। आज की लास्ट योग मुद्रा अपान वायु मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी। अपान वायु मुद्रा में पहली उंगली को अंगूठे के मूल की और अंगूठे के अग्रभाग के बीच दोनों उंगली को साथ में मिलाना है और छोटी उंगली को अलग सी सीधी रखने से अपान वायु मुद्रा बनती है। अपान वायु मुद्रा से हृदयाघात या हृदय में अचानक पीड़ा होने लगे जब तब ये तुरंत करने से हृदयाघात को रोका जा सकता है। साथ में ये मुद्रा
जो शरीर की बेचैनी है उनको भी दूर करने में बहुत महत्व का भाग देती है। हमने ये सब योग मुद्रा की जानकारी ली। ये सब योग मुद्रा है, प्रत्येक दिन से 30 मिनट तक अभ्यास करने से फिजिकल फिट रहेंगे और साथ में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। जय हिंद।